बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा कि अगर तुम सभी को 100-100 रुपया दिया जाए तो तुम सब क्या क्या खरीदोगे। किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी, तो किसी ने कहा मैं बहुत सी चॉकलेट खरीदूंगी। एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। टीचर ने उससे पूछा तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या खरीदोगे। बच्चा बोला टीचर जी मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने पूछा तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना। बच्चे ने जो जवाब दिया उससे टीचर का भी गला भर गया। बच्चे ने कहा मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है और कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े भी नहीं सिल पाती है, इसलिए मैं मेरी माँ को चश्मा देना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, बड़ा आदमी बन सकूँ, माँ को सारे सुख दे सकूँ। टीचर कहते हैं कि बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है, ये 100 रुपये मेरे वादे के अनुसार और ये 100 रुपये और उधार दे रहा हूँ, जब कभी कमाओ तो लौटा देना। और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पे हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। 20 वर्ष बाद बाहर बारिश हो रही है और अंदर क्लास चल रही है। अचानक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है। स्कूल स्टाफ चौकन्ना हो जाता है, स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। मगर ये क्या, जिला कलेक्टर एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं सर मैं उधार के 100 रुपये लौटाने आया हूं। पूरा स्कूल स्टाफ स्तब्ध। वृद्ध टीचर झुके हुए नौजवान कलेक्टर को उठाकर भुजाओं में कस लेता है और रो पड़ता है। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मशहूर हो मगरूर मत बनना, साधारण हो कमजोर मत बनना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, शहंशाह को फकीर और फकीर को शहंशाह बनते देर नहीं लगती। कैसी लगी स्टोरी, अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर।